हेलो टेक चार्जर्स, क्या क्या हुआ है आज टेक वर्ल्ड में, सब कुछ आपको बताने वाले हैं। जानने के लिए लास्ट तक देखिए वीडियो। मैं हूं अशफाक और हम शुरू कर चुके हैं टेक्निकल चार्जर। तो बिना वक्त को वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। और सबसे पहले बात करते हैं वीपो और ओपो के बारे में। दोनों कंपनियों से जुड़ी हुई ताजा खबर आ रही है कि आईएसपी चिप पर काम कर रही हैं दोनों कंपनियां मिलकर। आईएसपी चिप क्या होती है दोस्तों? इमेज सिग्नल प्रोसेसर। ये सिलिकॉन से बनता है, एक तरीके का चिपसेट ही है जो कि इमेज प्रोसेसिंग में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल अपना अदा करता है। वैसे आपको बता दूं कि चाइनीज ब्रांड्स में शाओमी ने पिछले साल अपना आईएसपी खुद का इन हाउस बनाया हुआ लॉन्च किया था, जिससे कि मी मिक्स फोल्ड में हमने देखा भी था। अब फिलहाल दूसरी कंपनियां हैं ये चाइनीज जो आईएसपी चिप पर काम कर रही है। देखते हैं कि इनका प्रोसेसर कैसा होता है और कब तक इसे मार्केट में लेके आती हैं। नोकिया की सी सीरीज अपने चीपेस्ट प्राइसेस के लिए जानी जाती है और फैंस के बीच में काफी पॉपुलर भी है। इसी सीरीज का C30 स्मार्टफोन आज यूके मार्केट में कंपनी ने लॉन्च कर दिया है। 6.48 इंच की इसमें LCD डिस्प्ले यूज की है, वाटर ड्रॉप नोच दिया गया है। पीछे की तरफ जो सी सीरीज की लगभग अभी तक डिजाइन चली आ रही है सेम वैसी ही इसमें दी गई है। अनस्पेसिफाइड ऑक्टा कोर प्रोसेसर भी है जो कि 2.4 GHz तक की क्लॉक स्पीड प्रोवाइड करा सकेगा। अभी फिलहाल इंडिया में दोस्तों इंतजार करना पड़ेगा, देखते हैं शायद जल्दी फोन इसे कंपनी इंडिया में लॉन्च कर सके। ज्यादा दिन दोस्तों सैमसंग के अनपैक इवेंट में बचे नहीं हैं। बहुत सारी डिवाइसेस लॉन्च होने वाली हैं जो कि सैमसंग के फैंस इसका इंतजार कर रहे हैं। फिलहाल आज ताजा र्यूमर आ रहा है कि सैमसंग इस इवेंट में अपने फोल्डेबल फोन्स के लिए एस पेन भी लॉन्च करने वाला है। यानी कि दोस्तों नोट सीरीज के हटके एस सीरीज में आया एस पेन और उसके बाद अब सैमसंग अपने फोल्डेबल फोन्स के लिए भी एस पेन लाने जा रहा है। तो देखते हैं दोस्तों आने वाले दिनों में फैंस को कितना पसंद आता है ये नया प्रोजेक्ट। एंड्रॉइड फोन्स की बात करें तो तकरीबन 50% फोन क्वालकॉम में स्नैपड्रैगन चिपसेट्स के साथ लॉन्च किए जाते हैं। अब इस कंपनी के चिपसेट दोस्तों बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं। फिलहाल ताजा जानकारी आ रही है कि इंटेल क्वालकॉम की चिपसेट 2022 से बनाना शुरू करने वाला है, क्योंकि इंटेल ने फाउंड्री मार्केट में भी कदम रख दिया है और वो इसका लीडर भी बनने जा रहा है। तो क्वालकॉम जैसी कंपनी के अब चिपसेट हमें देखने को मिलेंगे जिसको कि अपकमिंग 20A प्रोसेस पर बनाया जाएगा, जिससे कि डिवाइसेस की पावर कंजप्शन जो है ना वो काफी हद तक घट सकेगी, जो कि एक बेहतर बात है। अब देखते हैं दोस्तों कि ये चिपसेट कब तक आते हैं और कौन से फोन्स में सबसे पहले मार्केट में उतरते हैं। इंडियन मार्केट की बात कीजिए या फिर ग्लोबल मार्केट की, स्मार्ट टीवी के इतने धुलंधर ब्रांड्स मार्केट में उतर चुके हैं कि दोस्तों लगता है कि कोई कसर नहीं है। लेकिन लगता है कि शायद कोई कसर रह गई है, क्योंकि एक बड़ा कंप्यूटिंग डिवाइसेस बनाने वाला ब्रांड एसर इंडियन मार्केट में अपने स्मार्ट टीवी रेंज के साथ उतरने जा रहा है। कब तक प्लानिंग है उतरने की, कौन कौन सी रेंज लेके आएगा यह भी क्लियर नहीं है। लेकिन दोस्तों 91mobiles.com की तरफ से यह खबर आ रही है कि कंपनी तैयारी कर रही है। दोस्तों जल्दी ही देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कौन कौन सी कंपनियों को कड़ी टक्कर देती है। हाल ही में शाओमी ने रेडमी ब्रांड के अंतर्गत नई नोटबुक सीरीज रेडमी बुक प्रो 14, रेडमी बुक प्रो 15 लॉन्च की हैं। लेकिन दोस्तों अभी तक इंडिया में ये लैपटॉप्स लॉन्च नहीं हो पाए थे, लेकिन अब 3 अगस्त की डेट कर लीजिए आप दोस्तों सर्किल, क्योंकि 3 अगस्त को रेडमी सीरीज के नोटबुक्स इंडिया में लॉन्च होने जा रहे हैं। कौन कौन सी होंगी और किस प्राइस रेंज में दूसरी कंपनियों को टक्कर देंगे दोस्तों जानना बेहद ही इंटरेस्टिंग होगा। 3 अगस्त तक का बस इंतजार कीजिए। पबजी मोबाइल इंडिया में बैन होने से पहले दोस्तों काफी पॉपुलर था, लोगों ने इन हाउस परचेजिंग कर सकी थी, ढेर सारे उनके अकाउंट्स में आइटम थे। बैन होने के बाद वो सारी चीजें ब्लॉक हो गई। हालांकि 2 जुलाई को जब बैटल ग्राउंड मोबाइल इंडिया के नाम से वो लॉन्च हुआ तो कंपनी ने वादा किया था कि जो भी अकाउंट्स में आइटम थे वो सारे के सारे आपके सेम अकाउंट से अगर आप लॉग इन करते हैं तो ट्रांसफर कर दिए जाएंगे। लेकिन दोस्तों डेटा ट्रांसफर की ऐसी हवा चली मार्केट में कि कंपनी को ये सारी चीजें रोकनी पड़ गई। लेकिन एक बार फिर से जानकारी आ गई है कि यूजर अगर ईमेल के थ्रू अपने जो भी आइटम्स हैं उनको मांगना चाहते हैं तो उनको सर्वर से डायरेक्ट उनके ईमेल अकाउंट में ट्रांसफर कर दिया जाएगा, जिसको बाद में वो इंस्टॉल करके अपने अकाउंट के साथ में लिंक कर पाएंगे। तो दोस्तों आप बताइए कि आपने अभी तक इसको ट्राई किया और ट्राई किया तो कैसा आपका अनुभव रहा। और लास्ट में आपको बता देते हैं कि रियलमी GT 5G स्मार्टफोन को अब इंडिया में भी लॉन्च करने जा रहा है। तीनों ही स्मार्टफोन एक्सपेक्ट किए जा रहे हैं कि लॉन्च हो सकते हैं, यानी कि GT 5G, GT का मास्टर एडिशन और GT का मास्टर एक्सप्लोरर एडिशन, ये तीनों लॉन्च हो सकते हैं। क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 888 के साथ में तो किया जाएगा GT 5G लॉन्च, और जो दोनों मास्टर एडिशन और मास्टर एक्सप्लोरर एडिशन है वो क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 778 और 870 चिपसेट के साथ लॉन्च किए जाएंगे। 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट फोन्स में मिल रहा है। अब देखते हैं दोस्तों कि जो चाइना में जब फोन लॉन्च हुआ था तो 27,000 से 30,000 के बीच में इसकी रेंज रही थी, अब इंडिया में क्या इतनी रेंज रहती है या प्राइस बढ़ते हैं घटते हैं दोस्तों जो भी होगा आपको बताएंगे। फिलहाल वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके बता सकते हैं। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलेंगे किसी और वीडियो में, तब तक रखिए अपना ख्याल। जुड़े दीजिए हमारे साथ। हिंदुस्तान जिंदाबाद।